व्यवसाय के मामले में अभी तक शेखपुरा ज़िले की पहचान प्याज और पत्थर को लेकर थी, जिसकी पहचान अब मछली पालन को लेकर हो रही है, जहां इसके कारोबार में शेखपुरा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 5 साल पहले तक शेखपुरा ऑफ सीज़न में दक्षिण भारत की चलानी मछली पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन आज के समय में पूरे साल अपने आसपास के आधा दर्जन से ज़्यादा ज़िलों को ताजी और जिंदा मछली सप्लाई कर रहा है। अभी हर साल 400 मिलिट्री टन मछली का उत्पादन कर रहा है। एक दशक पहले यह आंकड़ा मात्र कुछ मिलिट्री टन था। कृषि के साथ मछली पालन के काम को प्रोत्साहित करने हेतु नीली क्रांति को शेखपुरा के लोगों ने अंगीकार किया है। मछली पालकों की आय में वृद्धि करने और व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु नीतीश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बता दें कि बिहार में अब मछली पालन के नए तालाब के निर्माण पर राज्य सरकार की ओर से 90% सब्सिडी मिलेगी। साथ ही मछली बेचने के लिए गाड़ी और आइस बॉक्स के लिए भी अनुदान का प्रावधान है। शेखपुरा, नवादा, जमुई, लखीसराय, नालंदा और पटना जिले को ताजी मछली उपलब्ध करा रहा है। शेखपुरा में 196 सरकारी और लगभग 200 निजी तालाबों में मछली पालन का काम हो रहा है। जिले में हैचरी प्रारंभ होने से अब मछली का जीरा भी अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रहा है। मछली पालन से जुड़ने वाले लोगों को सरकारी स्तर से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बता दें कि कृषि रोड मैप के सफल क्रियान्वयन का प्रतिफल अब बिहार में दिखने लगा है। इससे रोजगार सृजित होने के साथ खाद्य चीजों के उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहे हैं। शिक्षित युवा वर्ग मछली पालन और उत्पादन में रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि इससे यही साबित होता है कि मछली उत्पादन में बिहार जल्द आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि मछली उत्पादन में देश भर में बिहार चौथे स्थान पर है। वर्ष 2007 और 8 में राज्य में 2,88,000 टन सालाना मछली उत्पादन होता था, जो अब 2020 और 21 में 7,62,000 टन हो गया है। वहीं सोमवार को विधान परिषद में सदस्य रामचंद्र पूर्वे के प्रश्न के जवाब में पशु व मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य में मछली उत्पादन बढ़ा तो है, लेकिन अभी भी यहां हर साल अन्य राज्यों से 887 करोड़ रुपए की मछलियां मंगाई जाती है। मंत्री ने कहा है कि साल 2021 और 22 में 8.2 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य था, लेकिन 41 लाख टन खम यानी 7.61 लाख टन की मछली उत्पादन हुआ। हालांकि इससे पूर्व योजना पार्षद के सभागार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की अलग अलग योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा की है।